नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग BHEL के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जनरल नॉलेज का। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है जो आपका PDF है ये भी हमने प्रोवाइड कर दिया है जनरल नॉलेज का, और इसके साथ में जो आपका जनरल इंग्लिश का है। तो इसमें देखिए आपको जो है पूरे कंप्लीट आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि इन्होंने सिलेबस में मेंशन करके आपको दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका जो दिया हुआ है आपका एवरेज, ये जो साइंस का पोर्शन दिया हुआ है इन्होंने जैसे कि GK के अंदर में, इसके अलावा आपका जैसे कि इंडियन कल्चर का, हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटी का, नेशनल मूवमेंट जो भी हुआ है, इसके अलावा वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का है। तो ये सारा चीज़ देखिए हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है जो PDF है आपका, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर GK का हो, तो इसी जो दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इनसे। ये दोनों PDF जो है, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही डिजाइन किया गया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए ही बनाया गया हुआ है स्पेशली। तो आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टडी किया होगा इन दोनों सब्जेक्ट के, तो हमने एनालिसिस करके ही जो है दोनों PDF बनाया हुआ है। तो आपको जो है इन दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपका सेट नंबर 3 है। अब तक हम लोगों ने 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना। लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था जब एग्जामिनेशन आपके हुए थे। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम डैश टिल द लेबोरेटरीज एंड द पोर्ट्स फॉर टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल मेलामिन आर अपग्रेडेड। तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, जिसमें कि ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इंडिया ने जो है अब जैसे मिल्क के जो प्रोडक्ट जो होते थे तो वो कौन से कंट्री से बैन कर दिया था। तो देखिए, ये जो है चाइना से इन्होंने किया हुआ था, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारे जो है टॉक्सिक केमिकल जैसे ये लेबोरेटरी में टेस्ट करके पाए गए थे। तो ये चीज़ जो है टेस्ट करने के बाद तब तक जो है ये इन्होंने बैन करने का फैसला किया था। तो देखिए, करेंट अफेयर का भी जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट PDF आपको जो है अपडेट करते हुए। आप लोग जो उसके पढ़ के जरूर जाना, आपको देखिए क्वेश्चन उसमें सब जरूर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट बर्ड है राजस्थान का। तो देखिए, स्टेट बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सभी का अपना अपना होता है, हर एक राज्य का। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं राजस्थान का, तो देखिए राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है तो वो है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, या फिर इसे गोडावान भी इसे बोला जाता है। ये जो ऑफिशियल स्टेट बर्ड है राजस्थान का, तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, 1 में ही दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका प्रीवियस ईयर का था। हमने यहाँ पे जो है स्टेट बर्ड जितने भी है इंडियन स्टेट्स के, तो यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार कर लिया है, तो आप लोग जो इन सबको याद कर लेना। जैसे बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश का, तो इसका देखिए इंडियन रूलर है, और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसका है ग्रेट हॉर्नबिल। उसी तरीके से बाकी आप और भी इंडियन स्टेट का आप देख सकते हो, जैसे कि आसाम की बात करते हैं तो इसका है व्हाइट विंग वुड डक, और बिहार का है इंडियन रोलर है, छत्तीसगढ़ का है हिल मैना है, गोवा का आपका है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। इसके अलावा गुजरात का बात करते हैं तो इसका है ग्रेटर फ्लैमिंगो, हरियाणा का है ब्लैक फॉलिंग कोली, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसका है वेस्टर्न ट्रगोपन, और वहीं पे झारखंड की बात करते हैं तो इसका है कोयल, कर्नाटक का इंडियन रोलर, केरला का है ग्रेट हॉर्नबिल, मध्य प्रदेश का है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और महाराष्ट्र का है ग्रीन इंपीरियल पिजन। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने पूरा लिस्ट तैयार किया हुआ है, आप लोग और भी रिमेनिंग स्टेट्स का याद कर लेना। जैसे मणिपुर की बात करते हैं तो इसका है जो मिसेस ह्यूम फिजेंट, इसके अलावा मेघालय का हिल मैना, मिजोरम का है मिसेस ह्यूम फिजेंट, इसके अलावा आपका अगला नागालैंड का इसका है ब्लिथ्रोगोपन, उड़ीसा का है पिकॉक, पंजाब का है नॉर्दर्न गोसवा, और राजस्थान का इंडियन बास्टर्ड जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था अभी। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, सिक्किम का है ब्लड फिजन, तमिलनाडु का है इमरल्ड डो, तेलंगाना का है इंडियन रूलर, और वहीं पे त्रिपुरा की बात करते हैं तो इसका है ग्रीन इंपीरियल पिजन, उत्तराखंड का हिमालयन मोनल, और वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं इसका है साइरस क्रेन, और वेस्ट बंगाल का है व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर। तो ये सारे जो हैं स्टेट बर्ड हैं जितने भी इंडियन स्टेट हैं, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से होता है, रिपीट होते रहते हैं, मतलब उस सेम क्वेश्चन तो नहीं लेकिन उसी टॉपिक से ही होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे चीज़ों को जो है इंक्लूड कर दिया है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, ये जो है साइंस से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सभी से जो है इन्होंने इक्वल वेटेज आपका दिया हुआ है, साइंस से, इसके अलावा आपका करंट अफेयर से, इसके अलावा जो जीके पोर्शन है स्टैटिक जीके का है, तो सभी से इन्होंने जो इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो हमने इक्विवेलेंट पीडीएफ तैयार किया हुआ है, उससे जो आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो ये देखिए सिंपली स्पीड का जो है डेफिनेशन पूछा गया था। स्पीड इज इक्वल टू होता है पर डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। तो ये जो है आपका हो जाएगा इसका स्पीड का, तो क्या होगा ऑप्शन टू, यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कोई भी डिस्टेंस हो जो बॉडी ने या फिर ऑब्जेक्ट ने जो ट्रेवल किया हुआ है पर यूनिट टाइम के अंदर में, तो उसे बोलते हैं हम लोग दैट इज स्पीड। प्रेशर जो आपका दिया रहता है यहाँ पर, तो प्रेशर जो है इन सब का देखिए डेफिनेशन आपको याद रखने होंगे, आपको मोशन का, एक्सलोरेशन का, तो ये सारा चीज़ जो है आपको साइंस के अंदर में मिल जाएगी फिजिक्स पोर्शन में, तो वो भी हमने ऐड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ था, जैसे कि स्पीड के बारे में पूछा गया था, तो स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी ने जो है ट्रेवल किया हुआ है, और जैसे यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का कंसिडरेशन इसके अंदर में नहीं लिया था, स्पीड के अंदर में एक निश्चित समय में पर यूनिट टाइम कोई भी आपका हो जाए यहाँ पे, तो जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हुआ है यहाँ पे डायरेक्शन का जो है कोई मायने नहीं रखा जाता है स्पीड के अंदर अगर हम लोग मापते हैं तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपको होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसी तरीके से और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी का, इसके अलावा एक्सेलरेशन का, तो इन सब का भी जो है आपको याद रखना होगा। वेलोसिटी आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजिशन इन ए फिक्स डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन आपका ये होना चाहिए। तो वेलोसिटी जो है इसके भी दो तरीके होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ग्राफ से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी आपसे पूछ सकता है, तो एक्सेलरेशन का देखिए फिर इसका होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो ये जो है इसका हो गया डेफिनेशन, और वहीं पे एक्सेलरेशन भी दो तरीके होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये सब सारा चीज़ देखिए आपको साइंस के अंदर में पढ़ना होगा, जो कि ऑलरेडी हमने जो है इन सभी टॉपिक्स के अंदर में हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो देखिए जो 2011 के जो सेंसस हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो जो है लोएस्ट है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे बात करते हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था तो वो था 382% पर स्क्वायर किलोमीटर में, ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेंसिटी देखिए ये वेरी करता है आपका, जैसे अगर बात किया जाए हाईएस्ट डेंसिटी का तो वो तो आया था 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में, और ये बिहार था इसमें टॉप किया हुआ था। मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो कि हाईएस्ट डेंसिटी थी, और वो लोएस्ट डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग तो ये देखिए बात करते हैं हम लोग जैसे कि लोएस्ट डेंसिटी था तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मात्र ओनली 17% जो है ये होते। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का लोएस्ट था और हाईएस्ट था बिहार का, तो ये भी जो है आपको याद रखना होगा। और ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो वो था आपका 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सारा डेटा जो है आपको याद रखना होगा पूरे फैक्ट्स के साथ में। इसके अलावा देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो कि आपका सेंसस 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपका इन्हीं में से ही आएगा। जैसे बात करते हैं हम लोग कि जो 15th सेंसस जो हुआ था इंडिया का वो कंडक्ट किया गया था 2011 में, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आए हुए थे कि जैसे स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो वो था बिहार, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी था वहाँ पे 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में, और वहीं पे स्टेट जो था जिसके पास लोएस्ट डेंसिटी वो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ यूनियन टेरिटरी विथ लिस्ट पॉपुलेशन, यह है लक्षद्वीप है, यानी कि लक्षद्वीप में जो सबसे कम पॉपुलेशन है, और वहीं पे बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन का कोई स्टेट के अंदर में तो वो है आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन तो वो है सिक्किम, और स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो वो है आपका केरल है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता का जो दर है तो वो सबसे ज़्यादा था केरल में और सबसे कम था बिहार के अंदर में। तो ये जो है पूरा कंप्लीट डेटा आपका दिया हुआ है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड तो वो हमने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे बात आया था आपका जैसे लिटरेसी रेट का, तो लिटरेसी रेट का अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग जो सेंसस 2011 का हुआ था तो इसके अंदर में ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था तो वह है 74%, जिसमें से जो मेल का जो लिटरेसी परसेंट है तो वो है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग
टूक अवे द फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द जेवर स्टडेड पिकॉक थ्रोन ऑफ द शाहजहां फ्रॉम इंडिया, यानी कि किसने जो है फेमस जो कोहिनूर डायमंड जो था, और साथ में जो कोहिनूर का जैसे यहाँ पे एक थ्रोन था, पिकॉक थ्रोन था शाहजहां का, तो वो जो इंडिया से जो है उसने ले गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका नादिर शाह का हो जाएगा। तो नादिर शाह ने जो है जो फेमस जो कोहिनूर डायमंड था, और साथ में जो जैसे कि ये पिकॉक थ्रोन जो था, तो इसने जो है इंडिया से बाहर ले गया था शाहजहां से। तो ये जो है जैसे जो पिकॉक थ्रोन है आपका, जो कोहिनूर जो माउंट किए गए थे, जो पिकॉक थ्रोन था उसके ऊपर में, तो ये जो है 1739 में ये किए गए हुए थे। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। तो हिस्ट्री से ये आपका क्वेश्चन है, तो देखिए सभी से जो है इन्होंने वेटेज देते हुए क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, जोग्राफी से, करेंट अफेयर से। तो आपको देखिए सभी पे जो है अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो उसके लिए हमने एक वैलेंट पीडीएफ भी बनाया हुआ है, तो आप लोग उससे अपना स्टडी कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था करेंट अफेयर से ही, कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंडन। तो देखिए इस तरीके से करेंट अफेयर का भी आपका बन जाता है, और साथ में जो है स्टैटिक पर्सन का भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट मेल, जो भी चीज़ से रिलेटेड होती है इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा गगनदीप कांग। तो जो गगनदीप कांग है, तो ये जो है ये पहली जो है महिला बनी थी, भारतीय महिला बनी थी जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है ये फेलो बने थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन इंक्वायर इन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन से पूछा गया था आपसे कि कौन सा, जैसे इसमें से कौन सा कोर्ट है जो कि इंक्वायर कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स जो होती है तो वो कर सकते हैं इसका। जैसे आर्टिकल 122 में बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है। तो देखिए ये जो है दिया हुआ का ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो कोर्ट या फिर एनी हाई कोर्ट। तो देखिए जो आर्टिकल 122 आपका दिया हुआ है, तो ये जैसे डील्स करता है यहाँ पर कि जैसे कोर्ट के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस होती है कि वो जो है इंक्वायरी नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट के अगर प्रोसीडिंग्स जो हो रही है तो वो जो है उसके ऊपर में प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता है, तो ये जो है रेस्ट्रिक्शन करता है कोर्ट को। तो इस तरीके से देखिए कोई भी कोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को इंक्वायरी नहीं कर सकती है। तो इसका देखिए आपका ऑप्शन थ्री राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 122 में ये मेंशन किया गया है यहाँ पर आपका, कि जैसे कोई भी पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग्स अगर हो रही है तो उसका मान लीजिए कि कोई भी अगर वो चल रही है तो उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपका टाइप का था ये, कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ द जामिया मिल्लिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो देखिए फर्स्ट ये दिया हुआ था क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है, फर्स्ट फीमेल से ही रिलेटेड आपका था या, और करंट अफेयर का भी ये बन जाता है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर नजमा अख्तर आपका हो जाएगा। तो नजमा अख्तर जो है तो ये अपॉइंट हुई थी, ये फर्स्ट एवर वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द जामिया, जो कि अप्रैल 2019 में इनको बनाया गया हुआ था। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आपको जो है याद रखने होंगे, मतलब जो भी फर्स्ट वुमेन है या फिर फर्स्ट मेन जो होते हैं तो उनसे क्वेश्चन आपका हमेशा ही पूछे ही जाते हैं, वो चाहे आपका करेंट का भी बन जाता है और स्टैटिक का भी पोर्शन आपका वो बन जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है पार्ट बाई पार्ट आपका क्वेश्चन सीरीज कराते ही रहेंगे। और देखिए ये तो आपका जीके का, इंग्लिश का भी हम आपका कराते चलेंगे, और जो पीडीएफ है इसका भी देखिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।